के समाचारों को लेके। तो आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में आज कोरोना के 18 मामले आए हैं और 25 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। आज भी किसी कोरोना पॉजिटिव की जान नहीं गई है। कोरोना का कुल आंकड़ा 58,403 पहुंच गया है। अभी 227 एक्टिव केस है। अब तक 57,181 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 982 है। कांगड़ा में 8, बिलासपुर व मंडी में 3, ऊना में 2 और कुल्लू व सोलन में 1-1 मामला आया है। वहीं ऊना के 10, कांगड़ा के 7, सोलन के 4, शिमला के 2, कुल्लू व मंडी के 1-1 ठीक हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार यानी आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जानी है। ये अभिभाषण राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के शुरू होने पर 26 मार्च को देंगे। बैठक में कई विधायकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी जाएगी जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में झुग्गियों में लगी आग में एक 7 वर्षीय बच्ची जिंदा जल गई, वहीं एक 6 माह की बच्ची बुरी तरह झुलस गई है। हादसा सोलन के बद्दी के समीप मलपुर पंचायत के दासो मंजरा का है। झुलसी बच्ची को PGI रेफर किया गया है। ये दोनों सगी बहनें बताई जा रही है। उधर जल प्रबंधन निगम शिमला राजधानी में 24 घंटे पानी देने का दावा करता रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि शिमला जल प्रबंधन निगम बनने के 3 साल बाद भी शहर में पानी के कनेक्शन तक ढूंढ नहीं पाया है। अभी भी लगभग 3500 कनेक्शन की जानकारी जल प्रबंधन निगम के पास नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले कई वर्ष से ऐसे उपभोक्ताओं को बिल तक नहीं दिए गए हैं। अब शिमला जल प्रबंधन निगम लाचार होकर लोगों से खुद कनेक्शन की जानकारी साझा करने की अपील कर रहा है। उधर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर मंगलवार दोपहर डिपार्टमेंटल ट्रेन के टायर पटरी से उतरने की जानकारी है। अंतिम समाचार के मुताबिक करीब 2 घंटे से ट्रेन एक ही जगह पर खड़ी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बड़ोग टनल से निकलते ही ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, साथ ही बाकी ट्रेनों के रूट भी सामान्य तौर पर चल रहे हैं। उधर ऊना जिले में नौजवानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रोज जहां उपमंडल अम में 19 वर्षीय युवती व 21 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली, वहीं अब ताजा मामला उपमंडल बंगाणा के जसाना का है, जहां पर बेरोजगारी के चलते 26 वर्षीय नौजवान युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हसन ठाकुर उर्फ लक्की पुत्र सूरम सिंह निवासी जसाना के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।